हेलो बिजनेस लीडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप यूएसए में बिजनेस कर सकते हैं, वो भी जीरो टैक्स के साथ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूएसए में एलएलसी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी और आप फॉरेन रेसिडेंट होने चाहिए हो। आप इंडियन रेसिडेंट हो सकते हैं या और किसी कंट्री के भी रेसिडेंट हो सकते हैं यूएसए के अलावा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वहां लगता है फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा लगता है स्टेट कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा पर्सनल इनकम टैक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। तो देखिए, अगर आप यूएसए एलएलसी रन कर रहे हैं तो आप दो तरीके से वहां अपना फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला है एज अ सी कॉर्प। अगर आप सी कॉर्प को ट्रीट करके अपना यूएसए एलएलसी आईआरएस फाइलिंग करते हैं तो आपको 21% अपना फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन योर बिजनेस प्रॉफिट। और जब आप वहां पे सी कॉर्प की तरह 21% टैक्स पे करेंगे तो बीइंग ओनर आपको उस पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना, और इवन आप जिस कंट्री के रेसिडेंट हैं वहां पे भी आपको कोई भी पर्सनल टैक्स नहीं पे करना अपने यूएसए एलएलसी इनकम पर। दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स में, वो है पास थ्रू टैक्सेशन। ये जो ऑप्शन होता है सिंगल ओन्ड एलएलपी में बाय डिफॉल्ट ही चूज होता है। पास थ्रू टैक्सेशन में क्या होता है कि इसमें एलएलसी खुद टैक्स पे नहीं करता, बट उसका जो टैक्स बर्डन है वो पास थ्रू हो जाता है उसके ओनर के ऊपर। देयरफॉर जो ओनर है एलएलसी का वो अपनी आईआरएस फाइलिंग करेगा और जितनी भी एलएलसी की बिजनेस इनकम है वो अपनी पर्सनल टैक्स फाइलिंग में बिजनेस इनकम को डिक्लेयर करेगा और टैक्स पे करेगा। तो पास थ्रू टैक्सेशन में एलएलसी को टैक्स जीरो पे करना पड़ा और इंडिविजुअल जो कि ओनर है एलएलसी का उसको जो टैक्स पे करना है यूएसए में 10% से लेकर 37% की रेंज पे टैक्स रेट होता है। और क्योंकि वो रेसिडेंट है किसी और कंट्री का, मे बी इंडिया का भी रेसिडेंट हो सकता है, तो उसे इंडिया में ये इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी और उस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि जिस कंट्री के आप रेसिडेंट हो आपको समझना पड़ेगा कि यूएसए के साथ उसका डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। अगर है तो जो भी आपने यूएसए में टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो अपनी कंट्री में। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि यूएसए में हमें फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स कैसे पे करना होता है। आप सी कॉर्प में 21% पे कर सकते हो या एज अ इंडिविजुअल आप 10-37% पे कर सकते हो। तो अब समझते हैं कि कैसे हम इस टैक्स को बचा सकते हैं। तो हम पहले ये समझते हैं किस इनकम पे यूएस फेडरल टैक्स अट्रैक्ट होता है। इस कंसेप्ट का नाम है ईटीबस। ईटीबस स्टैंड्स फॉर इफेक्टिवली ट्रेड बिजनेस इन यूएस। लोग इसको ईसीआई नाम से भी जानते हैं, ECI effectively connected income। अगर आपकी USA में effectively connected income है तो आपको US federal tax pay करना पड़ेगा। और अगर आपने ETBUS की condition को fulfill नहीं किया तो therefore जो भी आपने income करी है USA LLC में वो tax free हो सकती है। तो अब जानते हैं कि नॉन ईटीबस की क्या कंडीशंस होती हैं। सो नॉन ईटीबस कंडीशन चार होती हैं और आपने ये चारों कंडीशन फुलफिल कर ली तो आप अपने एलएलसी को टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है यूएसए एलएलसी के जो ओनर होने चाहिए वो सारे फॉरेन रेसिडेंट्स होने चाहिए, यूएसए रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है यूएसए एलएलसी ओनर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना चाहिए यूएसए में अपने बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए। तीसरा कंडीशन ये है कि यूएससी एलएलसी ओनर किसी भी यूएसए रेसिडेंट को या यूएसए कंपनी को अपना परमानेंट एम्प्लॉय या डिपेंडेंट एजेंट हायर ना करे। और जो चौथा कंडीशन है डिपेंडेंट एजेंट अपने यूएसए एलएलसी के की बिजनेस ऑपरेशन यूएसए में रहकर परफॉर्म ना करे। अगर आपने ये चारों कंडीशन फुलफिल कर ली तो जो भी आपकी बिजनेस इनकम है यूएसए एलएलसी से वो आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी यूएसए में, और बीइंग ओनर आप पूरी इनकम को विदाउट पेइंग अ सिंगल पाय आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि बिना यूएसए में रहे हम कैसे यूएसए में बिजनेस कर सकते हैं, तो ऐसे बिजनेस मैं बताता हूं आपको। तो पहला बेस्ट बिजनेस है जो इंडियंस या दूसरे कंट्रीज के यूएसए में बिजनेस करते हैं, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना पड़ेगा यूएसए में, और आपको एक वेबसाइट बनानी होगी और उसके बेसिस पे आप वहां से ऑर्डर ले सकते हो और वहां अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो। दूसरा बिजनेस है सर्विस इंडस्ट्री। आप सर्विस इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो, मैन पावर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, वीजा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो और बहुत सारी सर्विस हैं। और ये सारी सर्विस इंडस्ट्री के लिए कोई भी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होती यूएसए में, आप किसी भी कंट्री में बैठ के यूएस रेसिडेंट्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तीसरा जो बिजनेस है यूएसए में बहुत बड़ा मार्केट है सैस बिजनेस का, सॉफ्टवेयर बिजनेस का। आप उसमें भी एंटर कर सकते हो, अपना सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन वहां सेल कर सकते हो और जो भी वो इनकम होगी वो आपकी टैक्स फ्री हो सकती है अगर आपकी वहां फिजिकल
फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और आप नॉन ईटी बस की चारों कंडीशन फुलफिल करते हो तो ये कुछ लुक्रेटिव बिजनेस आइडियाज हैं जो आप कर सकते हो बिना यूएसए में रहे और इस बेसिस पे अपनी इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हो। हो सकता है कि और भी बिजनेसेस आप कर सकते हो बट आपको इन चार कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ये चार कंडीशन किसी भी बिजनेस में फुलफिल हो रही है तो आपका LLC पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा बीइंग फॉरेन रेसिडेंट ओनर। तो हमने फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में तो बात कर ली, तो अगर आपको फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में या और कोई भी यूएस टैक्सेशन के बारे में कुछ भी और जानना है तो मेरे से आप लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो और मैं आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा। अब हम बात करते हैं स्टेट कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। तो स्टेट कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो अलग अलग स्टेट्स होती हैं वो टैक्स लेते हैं आपकी बिजनेस इनकम पे। कैलिफोर्निया अलग लेगी, वॉशिंगटन अलग लेगा, डेलावेयर भी अलग लेगा, व्योमिंग भी अलग लेगा। तो व्योमिंग एक ऐसी स्टेट है जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स जीरो है और इवन जो डेलावेयर है वहां पे जो कॉर्पोरेट टैक्स है एक्सपोर्ट इनकम पे जीरो है और अगर आप डेलावेयर के अंदर जो भी बिजनेस करते हो तो उसके ऊपर आपको जो टैक्स देना है वो देना है 8.7%। तो अगर आपको स्टेट कॉर्पोरेट टैक्स को भी अवॉइड करना है तो मेरा एडवाइस ये है कि आप व्योमिंग में अपनी यूएसए कंपनी LLC इनकॉर्पोरेट करें, वहां पे आप स्टेट कॉर्पोरेट टैक्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको यूएसए LLC इनकॉर्पोरेट करनी है तो हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं यूएसए कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में इंडिया में बैठे बैठे या किसी भी कंट्री में भी आप प्रेजेंट हो वहां से भी आपका हम यूएसए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टिल दी बैंक अकाउंट ओपनिंग, हम आपको असिस्टेंस देंगे। वैसे तो आप समझ ही चुके हैं कि कैसे आप यूएसए में टैक्स सेव कर सकते हो, फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आप रिस्क फ्री यूएसए में टैक्स बचा सकते हो। तो पहला है कि आप कभी भी यूएसए में कोई भी इंप्लॉय हायर ना करें। दूसरा है कि आप यूएसए में कभी भी अपना फिजिकल ऑफिस ना लें। तीसरा है आप अपने प्रोडक्ट का यूएसए में इन्वेंट्री होल्ड ना करें, जितना हो सके आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल में ही बिजनेस करें। चौथा है अगर आपका सॉफ्टवेयर या टेक प्रोडक्ट है तो उसका सर्वर यूएसए में ना रखें, इसकी जगह आप और किसी कंट्री में अपना सर्वर डिप्लॉय करें। पांचवा है कि अगर आप यूएसए में विजिट कर रहे हैं तो वो ट्रेवल वीजा पे ही करें, कभी भी बिजनेस वीजा पे नहीं करें, क्योंकि अगर आप बिजनेस वीजा पे करेंगे तो IRS एस्टेब्लिश कर सकती है कि आपने बिजनेस जो किया है वो यूएसए में रह के किया है। तो ये कुछ टिप्स थी, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप यूएसए में अपनी इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की वीडियो मेरी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।